वीर शिवाजी की जयंती पर रविवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष उत्तर मुंबई राजेश मेहता ने हर साल की तरह इस साल भी निकाली भव्य शोभा यात्रा। 5 किलोमीटर तक निकाली गई शोभा यात्रा, जिसकी शुरुआत शॉपर स्टॉप अंधेरी से हुई और समाप्त विले पाले स्टेशन पर हुई। रथ पर शिवाजी महाराज की झांकियां, ढोल की धूम के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए शोभा यात्रा में। इस दौरान उपस्थित रहे बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, विधायक पराग अलवानी, विधायक अमित सातम। शिवाजी जयंती उत्सव में पूर्व नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता भी मौजूद रही, जिनके नेतृत्व में देखरेख में एक भव्य शोभा यात्रा सम्पन्न हुई। ये बार का हमारा 27वां शिव जयंती का प्रोग्राम है, शोभा यात्रा है। इसमें हमारे आमदार हैं अमित साटम जी, अंधेरी विधानसभा से। हमारे आमदार दूसरे हैं पराग अलवनी जी, पार्ले विधानसभा से। और हमारे तीसरे आमदार हैं आशीष सेलार जी, वो बांद्रा विधानसभा से। तो सारे ही हमारे आमदार आए। और हमारे जो खासदार है पूनम महाजन जी, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग ये तो हिंदवी हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का इस दिन है। और ये जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू एक जीने का धर्म है, एक जीने की कला है। और इसलिए हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के ऊपर मैं सभी हमारे जितने भी, आपने देखा होगा इतनी भव्य दिव्य शोभा यात्रा चल रही है, 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा है और लोगों का उत्साह आप देखिए। तो ये हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है और इसीलिए हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो शिव जयंती पर आप इतना भव्य कार्यक्रम हर साल निकालते हैं, क्या संदेश देते हैं, इससे माध्यम से क्या कहना है आपका? मैं जब ये 27 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम मेरे मन में आया, तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे। लेकिन मेरा एक नेबर था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि जानता राजा हमारे इस क्षेत्र में लगा हुआ है, आप आके देखना। तब वो 8वीं क्लास का विद्यार्थी, वो इंटरनेशनल छात्र था, वो मतलब आईबी का छात्र था, उसको पता नहीं, इतिहास में सिखाया नहीं जाता है। और तब उसने बोला कि कौन जानता राजा, कौन छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसने जब ऐसे शब्द बोले तब मुझे लगा कि जरूर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के निमित्त हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना चाहिए। और उसके निमित्त हम 27 साल से ये हम लगातार ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत देखा हुआ, घोड़े मावले, उनके कहे गए शब्द, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को लोग अपने अंदर में समाहित करें और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, इसी भावना के साथ में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को हर साल मनाते हैं। जय शिवराय।